महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पर दिए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच बयान को लेकर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा और उन्हें अमेजॉन पार्सल तक करार दिया। अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेजॉन से, वो अमेजॉन से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा और नहीं कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए। बता दें कोश्यारी के हालिया बयान पर अपनी भड़ास निकालते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आपने जो राज्यपाल के रूप में हमें अमेजॉन पार्सल भेजा है उसे वापस ले लो। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने इस दौरान कोश्यारी को वृद्धाश्रम भेजने की भी नसीहत दे दी। दरअसल कोश्यारी ने एक बयान में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने समय के हीरो थे, नए जमाने के हीरो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और नितिन गडकरी हैं। अगर कोई आपसे कहे कि हुई जोर आइकन, हुई जोर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। कोश्यारी के इस बयान पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, हम केंद्र से आग्रह करते हैं कि वो एक राज्यपाल के तौर पर भेजे गए नमूने को वापस बुलाएं और उसे अन्य स्थानों पर या वृद्धाश्रम भेज दें। हम सभी महाराष्ट्र प्रेमियों से उनके बयान का विरोध करने के लिए कहते हैं, अगर बीजेपी इसमें शामिल होना चाहती है तो उसका भी स्वागत करें। वहीं कोश्यारी पर हमला बोलने के साथ ही उद्धव ने सीएम शिंदे पर भी निशाना साधा और कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है और सरकार खामोश बैठी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सीएम कौन है, लेकिन जो शख्स दिल्ली के सहारे सत्ता में है वो उनके खिलाफ क्या ही कहेगा। गौरतलब है कि उद्धव से पहले मामले में संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कोश्यारी के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पवार ने तो कोश्यारी के बयान की आलोचना करते हुए केंद्र से ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाने की मांग की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।